हेलो फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ठंडियों का मौसम है तो हर किसी को सर्दी खांसी होती है, तो इसलिए मैंने आज काढ़ा बनाया हुआ है। ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है, इसे हर कोई पी सकता है और इसे आप सिर्फ 2 से 3 बार पियेंगे तो आपकी सर्दी खांसी एकदम खत्म हो जाएगी। और घर में जो सामान इजिली अवेलेबल रहते हैं उसी सामान से मैंने इस काढ़ा को बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये काढ़ा की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब सर्दी खांसी को ठीक करने वाला काढ़ा बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। काढ़ा बनाने के लिए हमने ये सामग्रियां ली हुई है। सबसे पहले काढ़ा बनाने के लिए हम कुछ मसालों को कूट लेंगे। मैंने इसमें 5 से 6 काली मिर्च और 5 से 6 लवंग लिए हुए हैं और अदरक का ये टुकड़ा लिया हुआ है। आप चाहे तो अदरक के बदले सोंठ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इन सारे मसालों को अच्छे से कूट लेंगे। हमने ये अदरक और काली मिर्च लवंग को अच्छे से कूट लिया हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। काढ़ा बनाने के लिए मैंने गैस पे बर्तन रखा हुआ है। मैं 1 ग्लास के करीब इसमें वाटर ऐड करूंगी। हम घर में जो नॉर्मल ग्लास यूज करते हैं उसी ग्लास से मैंने 1 ग्लास वाटर लिया हुआ है और वाटर को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। बस वाटर को हमें गर्म करना है हल्का सा। पानी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हमने जो अदरक काली मिर्च लवंग कूटी हुई थी वो ऐड कर देंगे। और मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती लिया हुआ है, ये 1/3 टेबल स्पून के करीब है। हल्दी पाउडर लिया हुआ है 1/3 टेबल स्पून के करीब। और मैंने ये गुड़ लिया हुआ है 1/3 टेबल स्पून के करीब। अजवाइन, इसे हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। अब इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये काढ़ा जो है खांसी हो या सर्दी हो उस पर बहुत ही फायदा करता है। और ये काढ़ा मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको खांसी आ रही है। अब इसे हम तब तक पकाएंगे कि जब तक ये पक के आधा न हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, पर यह अभी तक हमारा काढ़ा रेडी नहीं हुआ है। इसे हम ऐसी तरीके से पकने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसे तो हम काढ़ा पिला नहीं सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक और घरेलू नुस्खा है। आपके पास अगर सोंठ का पाउडर है तो सोंठ के पाउडर को हनी में अच्छे से मिक्स करके उसे चटाएं, उससे उसकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। पर उसे चटाने के बाद आप उसे थोड़े टाइम के लिए वाटर न दें। और अगर आपके पास सोंठ का पाउडर नहीं है तो शहद के अंदर आप काली मिर्च को थोड़ा सा कूट के उसे मिक्स करके भी चटा सकते हैं। अब इसे हम पकने देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा काढ़ा जो है पक के आधा हो चुका है। मैंने जब वाटर डाला था तो यहाँ तक था, अब ये पक पक के पूरा आधा हो चुका है। अब हमारा काढ़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और इस काढ़ा को आप कब ले सकते हैं, जब आप रात को खाना खा लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद आप सोने जाते हैं, तो सोने के पहले आप इस काढ़ा को गर्मा गर्म पीजिए। और ये काढ़ा पीने के बाद आप आधा पौने घंटे तक वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। अब सबसे लास्ट में इसमें हम हनी ऐड कर देंगे। हनी को मैंने इसके साथ उबाला नहीं है, सिर्फ ऊपर से हनी को हमें ऐड करना है। अब हनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इस काढ़ा को हम छान लेंगे। ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये काढ़ा की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।